अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, सी पैक का क्लाइंट टच है, इसकी आप लूपें वगैरह चेक कर सकते हैं। ये जो लूप है जो पेशावर से आने के लिए गाड़ियों के सामने आप देख सकते हैं, इस पर असफाल्ट की फर्स्ट लेयर डाली जा चुकी है। तो इसी तरह जो गाड़ियां डी आई खान से आएंगी और इस्लामाबाद जाएंगी, वो जो लूप है उस पर भी तकरीबन फर्स्ट लेयर डाली जा चुकी है। तो ये सामने आप देख सकते हैं, इधर से गाड़ियाँ आके ये पुल क्रॉस करके तो लेफ़्ट साइड पर आके इस आबादी को टर्न लेके तो इस पुल पर इस जगह आ जाएंगी। तो ये जगह भी तकरीबन इसके ऊपर एक लेयर डाली जा चुकी है और दूसरी बाद वाली लेयर इसमें डालेंगे। और इसके अलावा इसका शोल्डर वगैरह सेट कर रहे हैं। उसके अलावा जो ये लूप है इस्लामाबाद से एंट्री के लिए M14 पर, तो इसको भी सामने आप देख सकते हैं, इसके साथ भी सेफ्टी बेल्ट वगैरह लगा रहे हैं। तो बाकी इससे आगे अगर जाएँ तो जगह जगह इसका काम जो थोड़ा बहुत रहता है, जो फिनिशिंग वगैरह, जो पत्थर वगैरह लगाने या पिकटें वगैरह जो लगानी, वो उसका काम जारी है। जिसके साथ इसकी फेंस लगेगी बाढ़, तो उसका काम जारी है। बाकी इस इंटरचेंज पे मेन जो काम है सबसे ज़्यादा इस इंटरचेंज का है, क्योंकि जिस वक्त ये मुकम्मल होगी उसके बाद इसकी ओपनिंग हो जाएगी। तो इस तरफ भी आप देख सकते हैं, बाकी ये जो लूप है इसका शोल्डर भी लगाया जा चुका है। तो इसके अलावा इसकी सिर्फ स्ट्रीट आइटम वगैरह रह गई हैं। तो बाकी इसकी सेफ्टी ग्रिल वगैरह दोनों तरफ सामने आप देख सकते हैं लगाई जा रही है। तो उसके जो पिलर वगैरह आते हैं वो खड़े कर दिए गए हैं, और उसके ऊपर जो ग्रिल है तो वो रहती है। ये सामने पेशावर एंट्री के लिए जो लूप है इसको सामने आप देख सकते हैं, इसके शोल्डर वगैरह लग गए हैं। बाकी इसके जो सेफ्टी ग्रिल वगैरह है तो उसके ये सामने आप देख सकते हैं पिलर वगैरह, और उसके अलावा ये पिकटें वगैरह जो सेफ्टी के लिए हैं दूसरी फेंस के लिए, तो वो भी लगाई जा चुकी हैं। बाकी उसके ऊपर जो जाला उन्होंने लगाना है जाली टैप बाढ़ के लिए, तो वो सामने आप देख सकते हैं वो काम रहता है। उसके अलावा इसकी ग्रिल वगैरह के पिलर वगैरह लग गए हैं। तो बाकी इस तरफ ये जो इसका थोड़ा सा शोल्डर रहता है पोल के साथ, इस पर काम अभी जारी है। इसी तरह इस साइड पर भी शोल्डर जो रहता है उसका काम जारी है। अभी इन्होंने सफाई वगैरह कर दी है, इसके ऊपर ये गेड़ा वगैरह डाल के बेस इसकी तैयार करके फिर लास्ट में इसके एक लेयर असफाल्ट की, क्योंकि शोल्डर पर ये सिर्फ एक लेयर डालते हैं, बाकी इस जगह ये तीन लेयर असफाल्ट की डालते हैं और उधर लास्ट पर शोल्डर पर जो है एक लेयर डालते हैं, बाकी दरमियान से ये कम्प्लीट है। तो ये जो जगह है जिस सामने आप देख सकते हैं, इधर इन्होंने खंभे वगैरह लगाने हैं स्ट्रीट लाइटें, तो ये भी थोड़े थोड़े फासले पर, जो ये सिर्फ इंटरचेंज के साथ हैं, बाकी सब जगह पर नहीं है, सिर्फ इंटरचेंज के साथ इस तरफ भी आप देख सकते हैं सामने। तो बाकी इस साइड पे भी ये ओपन है, कुछ जगह इन्होंने इस तरह के ब्लॉक वगैरह रखे होते हैं, लेकिन साथ इसके कॉर्नर पर रास्ता होता है, आप इस पर सफ़र कर सकते हैं। इसी तरह ये साइड इधर से सामने आप देख सकते हैं बंद है, लेकिन बाकी इस तरफ ये ओपन होता है तो इस पर आप सफ़र कर सकते हैं। लेकिन आपने एहतियात से सफ़र करना है, किसी जगह भी ये ब्लॉक होते हैं आपने रास्ते में आना है और आगे जाके उधर स्लो हो जाना है, साइड पे हो जाना है, या सड़क चेंज कर लेनी है, क्योंकि कभी बार एक तरफ सड़क बंद होती है दूसरी साइड पे ओपन होती है, तो आप इस तरह इस पर आसानी से सफ़र कर सकते हैं। व्यूअर्स, इसके अलावा इसके बारे में मज़ीद जानने के लिए और अपनी राय के इज़हार के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।